हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, रिएक्टिविटी, द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर आर टेकिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शन मीडियम। तो हम SN1, SN2, SNI रिएक्शन देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि SN1 क्या होता है। ये वन टू स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें एल्किल हैलाइड क्या करता है, पहले तो हैलोजन ग्रुप को रिमूव आउट कर देता है और कार्बोकेटाइन बनाता है। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में सेम डायरेक्शन में वह जो है, जहाँ से एक्स निकला था वहीं पे क्या करता है, OH अटैक करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, ये आपको याद रखना है, रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, SN2 में क्या हो रहा था, ये वन स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। OH एक्स के ठीक अपोजिट साइड बैक अटैक करता है। ठीक है, बैक अटैक, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि OH इधर आएगा, जुड़ेगा, एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला क्या है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा कैसा होगा, देखिए, वो एल्किल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होगा, एक तो मेथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके क्या क्या वहाँ पे जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन शिफ्ट होके क्या जुड़ा है, दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन शिफ्ट होके CH3 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 ग्रुप जोड़ दिए हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, टर्शरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, और ये क्या है, नॉर्मल एल्कीन है। ठीक है, नॉर्मल एल्कीन। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है SN1 मिलता है अक्सर, यहाँ पे SN1 SN2 दोनों मिल सकता है, कंडीशन के ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे जो है SN2 और यहाँ पे SN2 रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम फेनिल ग्रुप की बात करते हैं, तो यदि तीनों हाइड्रोजन फेनिल ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे SN1 देखने को मिलेगा। अगर दो फेनिल ग्रुप, यहाँ PH लिख दिया हूँ, दो फेनिल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी क्या होगा, SN1 होगा। एक फेनिल ग्रुप है तो SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, और CH3 है तो SN2 ही होगा। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, तो इसको सबसे पहले हम समझने के लिए जो है टर्म लेते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर CH3 में होता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को किधर देता है, सामने वाले की तरफ। ठीक है, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, दोनों इधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अगर कार्बन होता तब हम मानते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा, है ना, केवल एक गुना, और यहाँ पे क्या है, डबल। ठीक, दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, दोनों CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को किधर देना चाहेंगे, कार्बन की ओर देना चाहेंगे। यहाँ पे तीन CH3 ग्रुप जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों क्या करेंगे, तीन गुना क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डालने से क्या होता है, यहाँ पे C और जो Br का जो बॉन्ड है ना, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये आसानी से अलग होता है, और जब ये अलग होता है तो क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन बनाता है। अब कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, आपने BSc में पढ़ा होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन जो है CH3 ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप इधर कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ पे SN2, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है, OH आके अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट बन रहा है, देन OH इधर जुड़ गया, X इधर निकल गया। ठीक है, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, जबकि SN1 रिएक्शन में क्या बन रहा था, यहाँ पे कार्बोकेटायन। मैंने इसीलिए कहा कि आपको ध्यान देना है।
जहां जहां कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल बनेगा वहां पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां भी कार्बोकेटायन बनेगा और कुछ हद तक यह भी स्टेबल होगा, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, SN2 भी रिएक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल पे कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, SN1 होगा, है ना। ये जो स्थिति होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे निकल इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब दूसरा जो कंडीशन होता है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का, वो क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये खाली ऑर्बिटल है, जो कार्बन में हम दिखाए हैं वो क्या है, एक खाली ऑर्बिटल है, उसमें का इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इसके पास कॉन्जुगेट कर लेता है। कॉन्जुगेट करने के बाद में क्या हो जाता है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा संरचना बन जाता है और यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ का प्लस चार्ज खत्म हो गया, तो ये कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी मैंने क्लास में बताया है, ठीक है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है तो तीन स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, तीन हाइड्रोजन यहाँ है तो ये भी क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। यहाँ के तीन हाइड्रोजन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, एक टाइम पर एक ही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी क्या है, ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन अपने पास था, है ना, टर्शियरी कार्बोकेटायन जो अपने पास था वो क्या है, काफ़ी स्टेबल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे SN1 रिएक्शन आसानी से होता है। ठीक है, फेनिल ग्रुप में भी अगर हम आते हैं तो फेनिल ग्रुप का जो कार्बोकेटायन होता है वो और ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी तुलना में भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन ही होगा। यहाँ पर दो फेनिल ग्रुप है, यहाँ भी क्या होगा, कार्बोकेटायन काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है ये रिंग में इस तरह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो अब वो कैसे होता है, मैं केवल एक रिंग बना के बता रहा हूँ। चलिए, ये एक रिंग है, यहाँ पे जो बॉन्ड है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, यहाँ पे CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई, है ना, CH2 होगा इसमें, चलिए CH2 कर देते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये अगर शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ, ये इधर शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। इस तरह से यहाँ पे तीन फेनल ग्रुप है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस, मतलब आयन्स का डीलोकलाइजेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, SN1, यहाँ भी SN1, यहाँ पे SN1 SN2 दोनों हो सकता है, वही कंडीशन है। सब्सट्रेट का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ जैसा होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, SN2 होगा, और वीक या माइल्ड होगा तो क्या होगा, SN1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हमेशा SN2 ही होगा, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब अगर हम दूसरा जो वो है न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है, वहीं पहले हमने देखा कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो किसको प्रेफर करेगा, SN2 को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर से ही समझते हैं हम, है ना, ये क्या हो गया, 3D में हो गया, ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बना देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, ये सामने है, पीछे है, ये प्लेन में है। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मान के चलो साइनाइड यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तब क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बैक अटैक नहीं कर पाएगा, बैक अटैक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जरूरी क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ये तो क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अगर कार्बोकेटायन बनता है तो क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो जो कमजोर या माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या करते हैं, SN1 को प्रेफर करते हैं, और जो स्ट्रांग होता है वो क्या करता है, SN2 को प्रेफर करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सारा इफेक्ट को एक साथ देखना पड़ता है। स्टेरिक इफेक्ट भी अगर मान के चलो है, तो स्टेरिक इफेक्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म ही होगा, ठीक है, भले वहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्यों आना आ जाए। अगर मैं यहाँ पे CH3 CH3 कर दूँ, ठीक है, CH3 CH3 कर दूँ, तो साइनाइड भी आएगा, तब भी यहाँ पे SN2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट इतना है कि यहाँ पे बैक अटैक पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको सामने से ही आना पड़ेगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी क्या करेगा, SN1 रिएक्शन देगा, जब जब यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट होगा, या कह सकते हो यहाँ पे फेनिल हो गया, फेनिल फेनिल हो गया, चलो फेनिल हो गया, तब क्या करेगा, साइनाइड आ ही नहीं पाएगा, इसी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा, तो फेनिल बैक अटैक नहीं कर पाएगा, ये साइनाइड बैक अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक इफेक्ट के साथ में जोड़ के देखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप स्टेरिक इफेक्ट छोड़ दो और ये डायरेक्ट बता दो कि नहीं टर्शियरी कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, तो वहाँ पर भी हम बैक अटैक करा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहाँ पे SN1 ही होगा, अगर नहीं बन रहा है तब यहाँ केवल HHH है, तो हो सकता यहाँ पे क्या होगा, कम्प्लीटली बैक अटैक होगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो माइल्ड न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, ठीक है। अब लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप देखिए, यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाया, आयोडीन ब्रोमीन ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड फ्लोराइड, ठीक है। तो इसका स्थिति क्या होता है कि जो लेस बेसिक होगा, जो कम बेसिक होगा, कम बेसिक, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। साइनाइड क्या करेगा, आयोडीन को ज़्यादा अच्छे से रिप्लेस कर पाएगा, किसके तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा सॉल्वेंट के कारण भी होता है। आयोडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटा होता है, फ्लोरीन क्या होता है, और छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना है वो किसमें है, वाटर में है मान के चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर के जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होंगे, स्लाइटली पॉजिटिव मतलब H H O, ये कुछ इस तरह से इसको घेर के रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्वेशन इफेक्ट भी कहते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका साइज बड़ा होता है, मतलब इसमें कम अणु क्या होंगे, घेर के रखेंगे। इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, छोटा होता है, तो इसका इसका जो सॉल्वेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, काफ़ी बड़ा एरिया में H2O जो है एक दूसरे से लगे हुए होंगे, घेर के रखे हुए होंगे। ये जो बना रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, H2O है, इसी को सॉल्वेशन इफेक्ट भी कहते हैं। हालांकि सॉल्वेशन इफेक्ट में मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ अभी तक, आप गूगल करके देख लेना, यूट्यूब में और भी वीडियो है वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो जो छोटा वाला जो क्या बोलते हैं लिविंग ग्रुप होगा, वो टूटने के बाद क्या बना रहा है, काफ़ी बड़ा अमाउंट में क्या बना रहा है, स्फीयर बना रहा है वाटर के साथ में, ठीक है। और मतलब इसकी इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी की बात करें, जी मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है ना, इतना बड़ा नहीं होता है, ये एक दो लेयर होगा यहाँ पे, है ना, एक दो लेयर जरूर होगा, तो उसको ध्यान दीजिए। आयोडीन के पास क्या है, बड़ा स्फीयर है ना, बड़ा स्फीयर है, वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको घेरेंगे, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो आयोडीन क्या हो गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि ये कम बेसिक होता है और ये क्या होता है, मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक नेचर का होता है। तो कम बेसिक वाले को मोर बेसिक वाला क्या कर देगा, रिप्लेस करा देगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो कम बेसिक होगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, दो टाइप के सॉल्वेंट जो है हमको हो सक हमारे पास हो सकते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर में हम एग्जाम्पल ले लिए H2O का, और नॉन पोलर में बेंजीन का ले लिए, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट अगर आपके पास है तो रिएक्शन क्या होगा, लगभग लगभग SN1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा, उसको क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेंगे, जैसा वहां बता रहा था, ठीक है, स्टेबलाइज करेंगे। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको कोई यहाँ स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। और ये मैंने आपको बताया है कि ये एल्कीन में होता है, मतलब मेथीन में होगा, मेथीन कार्बोकेटायन में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल्किनेस भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा बैक अटैक होगा, और ये कार्बोकेटायन
कार्बोकैटायन बनने की स्थिति ही नहीं आएगी और वो ग्रुप क्या होगा जाएगा, लीव हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो हमने दिखाया है, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, यहाँ पे बल्किनेस भी होता है, सपोज यहाँ पे पीएच, यहाँ पे जो है फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तब क्या होगा, कार्बोकैटायन भी स्टेबलाइज होगा। सारा पॉइंट एक जैसा ही है ना, बस आपको ये बताना है कि लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो कम बेसिक होगा, वो क्या होगा जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा, और जो मोर बेसिक होगा वो देरी से रिप्लेस होगा, ठीक है। जो जल्दी से रिप्लेस होगा उसमें क्या होगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो देरी से होगा उसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन लाइक हो जाएगा। लेकिन केवल इसी पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि SN1 होगा या SN2 होगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी पड़ता है। सॉल्वेंट का इफेक्ट भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है केटायन को स्टेबलाइज करके रखता है, स्टेबलाइज करेगा मतलब यहाँ पे केटायन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होगा, केटायन नहीं बनेगा तो SN2 रिएक्शन होगा। एक ही स्टेटमेंट बार बार आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है ना, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, रिएक्शन मीडियम ही है ना, रिएक्शन मीडियम ही है, आप इसको रिएक्शन मीडियम कर सकते हो। तो रिएक्शन का मीडियम दो तरह का होगा, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। तो सबसे जो प्रभावी इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, कि कैसा स्ट्रक्चर है, छोटा है या फिर बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेरिक इफेक्ट है नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो था क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, किस तरह से रिएक्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप और रिएक्शन मीडियम पे, ठीक है। तो चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।